टीम इंडिया एशिया कप 2022 की तैयारियों में जुट गई है। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया में पूर्व कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान केएल राहुल की वापसी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलता है। उम्मीद की जा रही है कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ खोए हुए लय को वापस पा लेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि विराट कोहली डेथ ओवरों में T20 इंटरनेशनल में कैसे बल्लेबाजी करते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में डेथ ओवरों में गेंदबाजों के लिए काल बन जाते हैं। जब भी विराट कोहली डेथ ओवरों में बल्लेबाजी करते हैं, उनके रन बनने की गति और बढ़ जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि T20 इंटरनेशनल में डेथ ओवरों में विराट कोहली की बल्लेबाजी ये गवाही दे रही है। T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली के बल्ले से डेथ ओवरों में 49.8 की औसत के साथ 189.8 फ्री स्ट्राइक रेट से 748 रन निकलते हैं। विराट कोहली के बल्लों से डेथ ओवरों में 63 चौके और 38 छक्के निकलते हैं। एशिया कप में टीम इंडिया से सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी विराट कोहली तीसरे पायदान पर है। ऐसे में विराट कोहली एशिया कप में अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही क्रीज पर टिककर बेहतरीन बल्लेबाजी करने के साथ ही टीम इंडिया को जीत दिलाने में पूरी कोशिश करेंगे। एशिया कप में विराट कोहली के बल्ले से निकले रनों की बात करें तो विराट कोहली के बल्ले से अब तक एशिया कप में 766 रन निकल चुके हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खेल की दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहे NN Sports के साथ।